प्रेम साहब कपड़े। अरे क्या बात है कमला, आजकल तो तेरे रंग और रूप दोनों ही बदल गए। कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई? एरा मेरा बम्पर प्राइस ओसवाल सामुन। अब धुलाई में मेहनत हो गई कम, सफेदी में आ गया दुगना दम। मेम साहब आपकी नहीं हम सबकी पसंद ओसवाल सामुन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। ग्राम चौथ का बरवाड़ा में मनाई गई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती। आज 15 अक्टूबर को ग्राम चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता रोड पर स्थित रेगरू की धर्मशाला में भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र कुमार वर्मा की अध्यक्षता में भारत देश के 11वें राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। सभी भीम आर्मी के सदस्यों ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान छोटे बच्चों को कॉपी पेन रबड़ पेंसिल आदि शिक्षण संबंधी सामग्री वितरित की गई और शिक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक किया गया, जिससे बच्चों के चेहरे पर खुशी झलकी और उन्होंने भी अब्दुल कलाम के नक्शे कदम पर चलने का प्रण लिया। कार्यक्रम के दौरान दिनेश तगाया को सह कोषाध्यक्ष, राहुल सेवलिया को संगठन मंत्री, राहुल वर्मा को प्रचार मंत्री, एमबी नफीस को महामंत्री, नफीस को प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी के रूप में दिनेश वर्मा को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा, उपाध्यक्ष सतपाल चावरिया, महासचिव चेतन वर्मा, सचिव अक्षय चावरिया, रामकिशन, पीयूष, वीरेंद्र मीणा, ललित किशोर, रोहित आदि सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। मैं देवेंद्र कुमार वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष चौथा बरवाड़ा भीम आर्मी। आज 15 अक्टूबर 2020 को चौथ माता रोड स्थित रेगरो की धर्मशाला भीम आर्मी अध्यक्ष स्वयं देवेंद्र कुमार वर्मा की अध्यक्षता में भारतीय मिसाइल में भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर सदस्यों ने प्रकाश, उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया और कार्यक्रम के दौरान बच्चों को कॉपी पेन पेंसिल रबर कटर और अन्य सामग्री दी गई और छोटे बच्चों को शिक्षा के हेतु शिक्षा के लिए जागृत किया गया और उनको मोटिवेट किया गया कि आगे उनके जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है, वो आगे बढ़े और भारत देश का नाम रोशन करें।